देखो बात है कुछ ऐसी, आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है और बटर चिकन विद बटर नान एक ऐसी चीज़ है ना जो मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश कर देती है अगर हम खाने खाने की बात करें। एनी यू गाइस नो कि देहरादून में ब्लैक पेपर का बटर चिकन विद बटर नान मतलब बोलने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। फटाफट से करता हूँ मैं प्लेटिंग क्योंकि मेरे से वेट नहीं किया जा रहा ज़्यादा। भाई 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 समझ नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करूँ। कैसे कैसे किसी को इस चीज़ से प्यार नहीं होगा भाई, स्वाद आ जाने वाला है आज, बेहतरीन मज़े आने वाले हैं। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, आज मैंने मंगा रखा है अपने लिए ब्लैक पेपर से बटर चिकन, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खुशबू आ रही है इससे। और इसी के पीछे की साइड मैंने रखा है जीरा राइस, ये भी मैंने ब्लैक पेपर से ही मंगाया है। साथ ही साथ मेरे पास एक बटर नान वन पीस में, और इसी के पीछे रखी है मैंने एक गार्लिक नान और वो भी वन पीस में ही है। ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं करी है मैंने आज की वीडियो में क्योंकि आज की वीडियो का पर्पज़ है इस खाने को इन्जॉय करना और मूड अच्छा करना अपना। ऐसा कुछ है बटर नान, करते हैं स्टार्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। हर एक चीज़ इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती है। पीछे थोड़ा सा राइस भी आ चुका है इसमें, वाह एक दो बाइट और मानने दो फिर कुछ बोलता। शक्ल से इतना बेहतरीन लग रहा है, किसी और के साथ भी ऐसा होता है क्या? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं कुछ भी ऐसा टेस्टी सा खाता हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए मैं जोन आउट हो जाता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं खो सा जाता हूँ बोल सकते हो। बटर नान की शक्ल इतनी गजब है, इंस्टाग्राम वाला बाइट बनाते हैं। बटर नान में रखते हैं ये एक अच्छा सा पीस, थोड़ी सी इसमें डालते हैं चटनी, ओए बेहतरीन कलरफुल, ऐसे टाइम पे भौंकता है। लच्छा पराठा ट्राई करना, ब्लैक पेपर का बटर चिकन विद बटर नान। दो तीन महीने में ना एक बारी मेरे को वो अर्ज होती होती है कि मुझे खाना ही खाना है और मैं अपने नॉर्मल डेज में तो खा नहीं पाता हूँ, तो दो तीन महीने में एक ब्लैक पेपर के बटर चिकन और बटर नान पे तो देखो वीडियो बनता है और आज थोड़ी सी ज़रूरत भी थी।
बटर चिकन में ना यार टैलेंट होता है, ये हर तरह की रोटियों के साथ ना अलग टेस्ट करता है और चावल के साथ फिर एकदम ही अलग टेस्ट करता है, और दोनों सिचुएशन में बहुत ही गजब होता है। स्वाद आ गया एक बार खाली चटनी चटनी में देखें। पता नहीं क्यों किया मैंने ऐसा। सो कल गया था मैं शादी में, भानु भैया के फ्रेंड की शादी थी, मैं उनके फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत हैंग आउट करता ही हूँ, तो भानु भैया की एक तरह से प्रॉक्सी लगाने के लिए मैं गया था उनके बिहाफ में। जो भी इंस्टाग्राम में कनेक्टेड है उनको पता होगा। मैंने स्टोरी अपलोड की थी और साथ ही साथ कुछ दिनों में वो व्लॉग भी आ जाएगा। तो ट्रस्ट मी, मजा ही आ गया शादी में। मैं बताता हूँ क्यों। एक तो जिस रिजॉर्ट में थी शादी उधर मैं पहली बार गया था, तो पहली बात तो रिजॉर्ट मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। दूसरी चीज़, डेकोरेशन हो रखा था बहुत बढ़िया, रूम्स बहुत बढ़िया थे, लॉन बहुत प्यारा सजा रखा था, और मेहंदी थी तो लिटरली डेस्टिनेशन वेडिंग टाइप वाला फील आ रहा था। मुझे लिटरली ये जवानी है दीवानी वाला फील आ रहा था, एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट मूवी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे वो मूवी। मतलब पिक्चर्स देखना और व्लॉग अगर आप देख पाओ तो व्लॉग देखना, आपको भी ये जवानी है दीवानी वाला थोड़ा बहुत फील तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। गिर जा रहा मैसी हो चुका है काफ़ी। वैसे इंस्टाग्राम रील्स बनती हैं गार्लिक नान में, अभी करते हैं गार्लिक नान के साथ भी वैसी। मतलब मूवी में जैसे रात को दिखाते नहीं कि गिटार बज रहा है, सबके सब आराम से एंजॉय कर रहे हैं, मतलब उतना लो नहीं थे अपन लोग। हम लोग रात को 4 बजे तक नाचे हैं, 11 या 12 बजे करीब डीजे बंद हो गया था, उसके बाद स्पीकर पे हमने गाने बजाए। तो लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग बोल दो, जो भी बोलना है, मेरा फ़ोन कनेक्ट हुआ और मेरे फ़ोन में आप लोगों को पता ही है जो गाना मुझे पसंद आता है वही लूप में चलता रहता है, तो मेरे स्पॉटीफाई में लगा हुआ था मधुबाला। और शादी के माहौल में ऐसे स्लो गाने मतलब ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आते हैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वहाँ हर कोई ना स्लो डांस करने लग गया इस गाने में, हर कोई, जितने कपल्स थे और जो सिंगल थे मेरी तरह वो आराम से ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं। बट क्या अल्टीमेट सीन, मतलब जस्ट बगल में एक छोटी सी नदी थी, उधर से पानी की आवाज़ आ रही थी, खुला आसमान था और भाई मतलब अलग ही फील था वो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसे स्लो डांस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इट वॉज़ वन ऑफ दोज नाइट्स जो काफ़ी टाइम तक अब मेरे को याद रहने वाली है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। और मेन बात ये थी कि ये कॉकटेल सिर्फ और सिर्फ दोस्तों के लिए और कजन्स के लिए थी, कोई भी घर वाले अलाउड नहीं थे, उस चीज़ की वजह से ये पार्टी और भी मतलब यू नो इंस्टाग्राम वाला बाइट आई होप दिख रहा हूँ। लेट्स गो इन फॉर अ बिग बाइट। बस एक गलती हो गई मेरे से, मैं रात के टाइम ना रिकॉर्ड नहीं कर पाया। ये जो माहौल की बात करो ना, आई वॉज सो मच इनटू द मोमेंट, मेरा मतलब ध्यान ही नहीं गया कि मेरे को इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। कुछ मोमेंट ना ऐसे बन जाते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि यार बस अभी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और आपको कुछ दिमाग में आता नहीं है। स्पेशली जितने भी लोग थे भाई, उन लोगों की वजह से हुआ ऐसा माहौल, अदरवाइज नहीं हो पाता। इतने पॉजिटिविटी थी ना उस माहौल में, क्या बताऊँ।
राइस और ग्रेवी को रोटी या नान के साथ खाने में मुझे अलग ही मजा आता है। घर में नहीं कर पाता हूँ ना ऐसी चीजें, घर वाले बोलते हैं कि क्या कर रहा है। 4 साढ़े 4 बजे करीब हम लोग सोने के लिए गए, तो तब तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार यहाँ सोने से अच्छा आराम से घर में सोऊंगा ताकि फ्रेश माइंड से उठूं। आज भी फंक्शन था जो मैम अटेंड नहीं कर पाए क्योंकि आज मेरे को शूट करना होता है। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ था, बट स्टिल मैं शूट कर रहा हूँ। उसका रीज़न यही है क्योंकि मेरे लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मन नहीं था कि मैं आज शूट करूँ। लुक एट दिस, जैसा मैंने बोला रोटी के साथ अलग, चावल के साथ अलग टेस्ट करता है। चटनी के साथ सीरियसली बहुत ही ज़्यादा गजब हो रहा है। एक अलग ही टेस्ट। वाह, इसका एक बारी पास से कलर देखो, मतलब देख तो चुके ही हो आप, लेकिन प्लीज़ दोबारा देखो। अपना एक ये बड़ा वाला तो ख़त्म हो चुका है और ये छोटा वाला थोड़ा सा बचा है। बटर चिकन का क्या कलर आ रखा है, और ये प्याज के ऊपर हरी चटनी क्या गजब लग रही है। राइस देखो, राइस भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा पका रखा है। तुम अफरी से भी हंसी दिखती हो। अभी बस एक चीज़ की कमी खल रही है, आप लोगों को पता है वो चीज़ काफ़ी अच्छे से। अपनी कोक की आई एम सॉरी, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पसंद है। मेरे घर वाले आज मौसी के घर जा रखे हैं तो आज मैं घर में अकेला हूँ। बोले ये सारे बर्तन और बाकी किचन वगैरह का काम, और कल सुबह पूजा। कल सुबह जल्दी उठ के पूजा। फिनिश करते हैं फटाफट से। मज़ा आ गया। अब देखो ब्लैक पेपर का कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली बार खा रहा हूँ, सो मैं ऐसा प्रिटेंड भी नहीं करूँगा कि मैंने फर्स्ट टाइम खाया है, तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें करूँ। नथिंग कुड बी बेटर देन ब्लैक पेपर का बटर चिकन विद बटर नान देहरादून। बाकी आई जस्ट होप यार कि मेरा मूड आज इस वीडियो में रिफ्लेक्ट ना हुआ हो। मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया है, बट अगर हुआ तो आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं एकदम चंगा हो जाऊंगा, डोंट वरी। बाकी आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग। पीस।